भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा दूसरा वनडे मुकाबला एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है और यहां पर आज श्रीलंकाई टीम हावी पड़ती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि भारत को 12वें ओवर में लग गया है तीसरा झटका और यहां पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन प्रदर्शन से जो उम्मीद है वो अब और ज्यादा होगी मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव से। जी हाँ, शिखर धवन यहाँ पर सीधा आउट हुए हैं 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर। शिखर धवन को यहाँ पर वनिंदु हसरंगा ने गेंद डाली, गेंद अंदर आ रही थी, शिखर धवन लाइन को जज नहीं कर पाए, हालांकि अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, जिसके बाद कॉन्फिडेंटली यहाँ पर गेंदबाज ने साफ तौर पर अपील की और कहा अपने कप्तान दसुन शनाका से कि आप रिव्यू लीजिए। रिव्यू में साफ तौर पर शिखर धवन आउट पाए गए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका है। अगर भारत को इस मुकाबले को जीतना है तो यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। 12 ओवर में 69/3 है टीम इंडिया का स्कोर और आज भारत को एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, वरना भारत के लिए इस स्कोर तक पहुँच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस अंदाज में आज श्रीलंकाई टीम गेंदबाजी कर रही है वो काफ़ी जानदार है। अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरीके से बाउंस बैक इस मुकाबले में करती है। एक अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंकाई टीम का अभी तक देखने को मिला है, बहुत अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी श्रीलंकाई टीम की तरफ से देखने को मिली है आज इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले से काफ़ी सुधार श्रीलंकाई टीम ने इस मुकाबले में किया है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।